everyone. Now in this video we are going to study about the decimal point to the binary conversion. ठीक है, जैसे अभी कोई decimal number है जो किसमें दिया गया है, point में दिया गया है. ठीक है, तो ऐसे number को हम लोगों को फिर से किसमें convert करना है, आपके binary के form में convert करना है. तो इसको हम लोग किस तरह से convert करेंगे, previous method में आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कोई भी number है तो उसको अगर मुझे binary में करना है तो मैं उस number को divided by 2 करने वाली थी. ठीक है, कब तक divided by 2 हम लोग करने वाले थे, जब तक उसका जो final answer है वो 0 नहीं आ जाता. अभी अगर उसी तरह के decimal number हम लोगों को दिए हैं, but जो number किस में है, point में है, तो उस number के लिए हम लोगों को क्या करना है exactly, जो भी आपका number दिया रहेगा उसको आपको simply 2 से multiply करते जाना है. ठीक है, तो जैसे इस नंबर को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे आंसर मिला 1.31250. अभी इसके अंदर का ये जो डेसिमल के आगे जो भी डिजिट आएगा 1 या फिर 0, तो इस डिजिट को हम लोगों को क्या करना है, रिकॉर्ड करना है. ठीक है, इसको हम लोगों को सेव करते जाना है. जैसे अभी यहां से मुझे मिला 1. ओके, नाउ नेक्स्ट ये जो नंबर था, अभी ये मिला था मुझे 1.3125. ओके, तो ये जो नंबर है ये मुझे मिला था 1.3125. तो जब मैं इसको नेक्स्ट टाइम मल्टीप्लिकेशन के लिए लूंगी तो मैंने ऑलरेडी 1 जो है इसको अलग से रखा है, तो यहां पर फिर आएगा 0, ये आएगा 0.31250 मल्टीप्लाइड बाय 2. ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे ये नंबर मिल रहा है, तो अभी ये जो 0 है, ठीक है, तो यहां पे जो है ये 0 जो है वो स्टोर्ड रहेगा. उसके बाद में फिर हम लोग फिर से ये जो इतना नंबर है इसको यहां पे लेके जाएंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर आ रहा है, दैट इज 1.25000. तो इससे हम लोग फिर से क्या करेंगे, जो सामने वाला डेसिमल के आगे वाला डिजिट है उसको अलग निकाल लेंगे, तो क्या बचेगा, 0.25000. इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर मुझे मिल रहा है 0.54 times 0. तो यहां से मैं किसको रखूंगी रिजर्व में, 0 को, और फिर वो जो नंबर है उसको मैं फिर से क्या करूंगी, 2 से मल्टीप्लाई करूंगी. ठीक है, सो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहां पर आंसर आएगा 1.3 times 0005 times 00. ओके, सो दिस इज हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन कब तक करना है, जब तक हम लोगों को फाइनली आंसर कितना नहीं मिल जाता, 1.0000 या फिर 0.0000 इतना आंसर नहीं मिल जाता, तब तक हम लोगों को इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है. तो यहां से मेरा डिजिट रिजर्व होगा, दैट इज 1. तो अभी फिर से हम लोग जब इसका आंसर डिराइव करेंगे तो हम लोग जाएंगे अपोजिट साइड से. ठीक है, मतलब ये ऐसे नहीं गिनेंगे हम लोग, इसको ये आएगा पहला, दैट इज 1, देन 0 1 0 1. ओके, 1 0 1 0 1, तो ये आ गया आपका आंसर किसका, दैट इज 0.625 का जो डेसिमल नंबर था उसको हम लोगों ने कन्वर्ट किया है बाइनरी नंबर के अंदर. ठीक है, तो पिछली मेथड में 2 से डिवाइड किया था, अगर वो होल नंबर है, डेसिमल नंबर है विदाउट पॉइंट, तो हम लोगों ने उसको 2 से डिवाइड किया था. अभी यहां पर हम लोग डेसिमल नंबर देख रहे हैं, पॉइंट वाला नंबर देख रहे हैं, जहां पर हम लोग उसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये हो गई आपकी कन्वर्जन ऑफ डेसिमल पॉइंट नंबर इनटू द बाइनरी नंबर. ओके, नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन. तो अभी तक हम लोगों ने डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन देखा, अभी हम लोग बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन देखने वाले हैं. ठीक,